अभी रश्मिता की मेहंदी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम लोग कोई भी रेडी नहीं हुए हैं। शाम को संगीत होने वाला है, मतलब मेहंदी संगीत होगा। तो अभी उसका पहले मेहंदी होगा, फिर हल्दी होगा। और अभी तक हमें रूम अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कोई फ्रेश नहीं हुए हैं। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ रश्मिता की मेहंदी दिखाने। हाय रश्मिता, मुझे बहुत छोटा छोटा हो गया है। कोई नहीं, आग बंद कर रिलैक्स कर। तो हम लोग अभी आए हैं बीच पर और यहाँ पे मेहंदी होने वाली है रात में, इनकी मेहंदी संगीत। तो हम लोग देखने आए हैं कि कैसा क्या सेटअप होने वाला है, और पहली बार हम सब बीच वेडिंग या बीच फंक्शन देखने वाले हैं, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये पीछे हमारा रिसॉर्ट है और रिसॉर्ट के एकदम सामने बीच है, और यहाँ पर होने वाला है मेहंदी रात में। बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो ये हमने पवन और रश्मिता के लिए डांस सेटअप किया है, मतलब ऑन द स्पॉट ही डिसाइड हुआ है अभी कि इन्हें डांस करना है और इस गाने पे करना है। तो फाइनली हमारा रूम अलॉट हो चुका है और ये है रूम टूर। तो इस रूम के अंदर दो रूम्स हैं, तो आगे बाकी लड़कियां रहेंगी और अंदर वाले रूम में हम रहने वाले हैं। और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, और रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर। और इस रिसॉर्ट का नाम है ओशन नेस्ट। तो ये अंदर वाला बेडरूम हमारा है। हाय, ये हमारा आज का स्टे है गाइस। हॉल में तो अभी हम रेडी होते हैं हल्दी के लिए। नहीं नहीं, मैं क्या पहनूंगा, तो हाथ के बल आओगे। मैं तो पवन की मेहंदी हो रही है अभी। हाँ, अब सुमी लगा रही है मेहंदी। सुमी मुझे मेहंदी लगा रही है। ये हम लोग का बहुत पहले से डील हुआ था। हाँ। तो इस वजह से नहीं, डील किसी और के साथ हुआ था, बट वो चेंज हो गया। हाँ, लक्ष्मी के साथ मेहंदी का कौन कौन खोल के दिया वो तो बताओ यार। हाँ, फिर मेन काम तो उसने किया, नहीं तो लग भी नहीं पाता। हाय सुमी, हाय रचना, हम जा रहे हैं रश्मिता के हल्दी में अभी फाइनली। यस, पर पहले हम खाना खाएंगे। ओके। तो ये हल्दी का डेकोरेशन किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब एक छोटे से जगह में बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया है। तो मैंने सबके लिए फ्लावर वाला मांग टीका लाया हुआ था, और पूरा येलो गेटअप के साथ ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सबसे मेन काम है अभी दुल्हन को रेडी करना है हमें हल्दी के लिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो हम लोग ही फ्रेंड्स मिलकर ही उसको तैयार करेंगे। और ये फेब का मंथ है, लेकिन इतना गर्मी है यहाँ पर कि क्या बताऊँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है। जुगाड़ू मेकअप आर्टिस्ट तो अभी होने जा रहा है रश्मिता और पवन का, और बाकी हम सब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का फोटो शूट। और आप देख सकते हो ये घर के पीछे का एरिया है रश्मिता के, और इसी एरिया में हम उसका फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके सारे फुटेज आप रश्मिता एंड पवन के इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। एंड जो भी फोटोग्राफर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप सोचो बिहाइंड द सीन कैसा है एंड आउटपुट कितना अच्छा है। गर्ल्स इन येलो, मस्त लग रहा है यार। तो अभी फाइनली रश्मिता की हल्दी स्टार्ट हो चुकी है, और शुरुआत किया है उसकी मम्मी पापा ने, और हम सब कितने प्यार से बैठे हुए हैं यहाँ पे और रश्मिता को हल्दी लगते हुए देख रहे हैं। तो ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है एंड फाइनली शी इज़ मैरिड। और अभी पवन की हल्दी स्टार्ट हो चुकी है।
बहुत मज़ा आया हल्दी के फंक्शन में एंड सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अभी पवन की हल्दी हो रही है, हमने उसको एकदम हल्दी से नहला दिया था, और जबकि अभी नेक्स्ट मेहंदी वाला फंक्शन भी है, बेचारे को पूरा नहाना पड़ा, बट स्टिल मज़ा आया। हाय पवन, कैसा लग रहा नहा के? काफी अच्छा, पहली बार हल्दी से नहाया हूँ। हल्दी का दूध तो बहुत बार पियो, पर हल्दी से नहाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कैसा लगा? इनिशिएट किसी ने तो किया था, यही थी वो मन ने तो गाली नहीं दे रहा, मौका मिले। हाय गाइस, सो हम लोग निकाल रही हूँ राइट, और हम जस्ट आज यू नो अभी आए हैं हल्दी के इवेंट से आए हैं राइट, और बहुत मस्त इवेंट गया, सब कुछ मस्त है, और अभी नेक्स्ट होने वाला है मेहंदी, हम लोग रेडी हो रहे हैं। हाँ, हमारी और एक एक डांसर पीछे डांस कर रही है राइट, और हम क्विकली रेडी होके पहुंचने वाले हैं, हो चुका है ऑलमोस्ट राइट। तो हम रेडी हो गए हैं संगीत के लिए, और हमसे पहले सोचो ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन तैयार होके आ गए और हमें टाइम लग गया तैयार होने में। तो रश्मिता की मेहंदी हो रही है अभी। हाय पवन, नर्वस फील हो रहा है? मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, तो लक्ष्मी मेरा सारा काम कर रही है, तो ये सारे फुटेजेस मैं लक्ष्मी से ले लूंगा। हेलो, तो यहाँ पर एक एक से टैलेंटेड लोग थे, और इसने तो फोक डांस परफॉर्म किया था, बाकी बच्चे भी हैं जो डांस करेंगे, मतलब कुट कुट के टैलेंट भरा है आपने। जैसे कि मैंने बताया था, इनका मेहंदी जो है वो बीच पर हो रहा है, और आप देख सकते हो पूरा गांव आया है, मतलब हजार लोग तो आए थे। तो अभी पवन की मेहंदी स्टार्ट हो गई है। इतना थकने के बाद भी पवन ने इतना जोरदार नाचा, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, मज़ा ही आ गया। तो फाइनली हम लोग, मतलब इवेंट ख़त्म हो रहा है और हम लोग बहुत थक गए हैं, और हमारी पार्टी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, रात तक चलने वाली है। जब लोग ज्यादा पी लेते हैं तो यही होता है। मुंबई से आया मेरा दोस्त, ये हमारा डांस परफॉर्मेंस था जो हमने प्रैक्टिस किया था उस दिन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जितना इन्जॉय हमने किया है आपने भी उतना ही इन्जॉय किया हो वीडियो देखकर। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।